माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह व्रत इस साल 1 फरवरी को है। इस एकादशी का पुराण में भी बड़ा महत्व बताया गया है। पुराणों में बताया गया है कि मृत्यु के बाद जब जीव को अपने कर्मों के अनुसार अनेक अदृश्य शरीर में जाना होता है, जिसे भूत और पिशाच की योनि कहा जाता है, जया एकादशी को इन्हीं अशरीर योनियों से मुक्ति दिलाने वाला कहा गया है। कहते हैं कि जया एकादशी का व्रत अगर आप पूरे विधि विधान से करते हैं तो भगवान विष्णु की कृपा हमेशा आप पर बनी रहती है और साथ ही सभी पापों से मुक्ति भी मिलती है। जया एकादशी का व्रत क्यों रखा जाता है तो चलिए आपको बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण के वचनों का उल्लेख पुराण में किया गया है और बताया गया है कि जो भी व्यक्ति इस एकादशी के व्रत को करते हैं उन्हें कष्टदायी पिशाच योनि से मुक्ति मिल जाती है, यानी उन्हें इस योनि में जाना नहीं पड़ता है। बता दें कि इस बार जया एकादशी 1 फरवरी को पड़ रही है। कहते हैं कि अगर आप इसका व्रत विधि विधान से करते हैं और पूजा में कोई भी गलती नहीं करते हैं और खान पान का विशेष ध्यान रखते हैं तो भगवान श्री हरि की कृपा आप पर बनी रहती है। जया एकादशी का व्रत करने से सभी पापों से मुक्ति भी मिलती है और साथ ही इस दिन दान पुण्य का भी महत्व बताया गया है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए चैनल से जुड़े रहें और बोल्ड स्काई को सब्सक्राइब करना ना भूलें।